मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा और मैं हूं अमित झा। मित्रों ये मेरा पहला लाइव है तो मैं चाहूंगा कि आप सब इसमें सहयोग करें। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने सब्सक्राइबर का और अपने व्यूअर का जिन्होंने मेरे पिछले सारे वीडियो को बहुत ज्यादा सराहा और उसे पसंद किया और मेरा हौसला बढ़ाया। मैंने अब निश्चय किया है कि मैं इसी तरह लाइव आया करूंगा और आप सबको सनातन धर्म के बारे में, अपने वेदों के बारे में, अपने शास्त्रों के बारे में बताया करूंगा। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि हमारी जो नई यंग जनरेशन है उनकी रुचि हमारे शास्त्रों में, धर्मों में कम होती जा रही है। आप ये विश्वास रखिए, अगर आप धर्म शिक्षा के साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आप सबका विश्वास जो है और रुचि जो है वो बनाए रखूंगा सनातन धर्म में और अपने वेदों शास्त्रों में। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। मित्रों जैसा कि आप सबको पता होगा, हनुमान जी का एक नाम पवन पुत्र भी है, जबकि हनुमान जी की माता का नाम माँ अंजनी और पिता का नाम वानर राज केसरी था। आप सबके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि पवन पुत्र और केसरी नंदन एक साथ कैसे संभव है, तो इसी रहस्य के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इस रहस्य को मैं आपके सामने अच्छे से रख पाऊं इसके लिए मुझे आपको एक कथा सुनानी होगी और आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप कथा को पूरा सुने, कथा को कभी भी अधूरा नहीं सुनते। ये हनुमान जी की कथा है तो आइए हनुमान जी की कथा सुनते हैं कि कैसे उनका नाम पवन पुत्र भी है और केसरी नंदन भी है। बहुत समय पहले की बात है, स्वर्गलोक में भगवान इंद्र का जो महल है वहां पे बहुत सारी अप्सराएं होती है, तो उनमें से एक अप्सरा थी पुंजिकस्थला। उस अप्सरा से एक दिन कुछ गलती हो गई और मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम मृत्यु लोक पे जाओ और वानर योनि में जन्म लो। तो वो अप्सरा बहुत ज्यादा घबरा गई और उन्होंने बहुत विनती की मुनि से कि कृपा करके अपना जो श्राप है अब वापस ले लीजिए। लेकिन मुनि ने कहा कि नहीं, श्राप तो वापस नहीं हो सकता, तुम इतना निवेदन कर रही हो मुझसे, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, तुम्हें ये वरदान दे सकता हूँ कि तुम जब मृत्यु लोक पे जाओगी तो जब मर्जी चाहे तुम मनुष्य का रूप धर सकती हो और जब मन चाहे फिर से वानरी बन सकती हो। तो इस तरह से माता अंजनी का मृत्यु लोक पे जन्म होता है। उनकी शादी वानर राज केसरी से हुई जो कि बहुत ही ज्यादा प्रतापी थे। एक दिन माता अंजनी और वानर राज केसरी दोनों सुमेरु पर्वत के ऊपर टहल रहे थे। दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा प्रेम था, दोनों टहल रहे थे। इसी बीच क्या हुआ, माता अंजनी को लगा कि किन्हीं ने उनका स्पर्श किया और जो उन्हें दिखा नहीं, तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई क्योंकि वो एक पतिव्रता स्त्री थी। तो उन्होंने क्रोध में आकर पूछा, ऐसा कौन है, किसने ऐसा दुस्साहस किया जो जिसने मुझे स्पर्श किया, अगर वो मेरे सामने प्रकट नहीं होता है तो मैं उसे श्राप दे दूंगी क्योंकि मैं एक सती हूं। तो वायुदेव ने उन्हें स्पर्श किया था, तो वायुदेव डर से प्रकट हुए और उन्होंने कहा, देवी मैंने आपको छुआ है लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था, मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारे कोख में जो बालक पल रहा है वो मेरी ही तरह शक्तिशाली और प्रतापी हो। ये बात सुनकर माँ अंजना बहुत खुश हुई और माँ अंजना और वानर राज केसरी दोनों अपने महल में आ गए और वहां से हनुमान जी का जन्म होता है। हनुमान जी जैसा कि आप सबको पता होगा भगवान शंकर के अंशावतार थे, तो भगवान शिव ने माता अंजनी के कानों से गर्भ में प्रवेश किया, इस तरह से हनुमान जी का जन्म हुआ। इसी कारण उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है और साथ ही साथ केसरी नंदन तो वो है ही। तो मिलते हैं किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक देखते रहे धर्म शिक्षा। धन्यवाद।